नमस्कार बाबू, नमस्कार साहब। अरे भाई क्या फिल्म लगी है, वाह वाह चलते यार। अरे क्या मजा आ रहा था यार, पोस्टर बहुत जबरदस्त है यार। सीताराम जी, अरे हटना, क्या बोलता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आज तो पिक्चर देख के ही रहना है। हाँ हाँ, देख के ही रहना है। ओंकार मंत्र संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं तस्मै ओंकाराय नमो नमः। नमस्ते देव देवेश, नमस्ते परमेश्वर, नमस्ते ओंकाराय नमो नमः। ओं नमस्ते रुद्रमञ्जुषोदेशवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यावदते नमः। अस्तु काय सुप्लान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय नमः। ॐ भवाय चन्द्रचूडाय त्रिपुणाय गुणात्मने त्र्यम्बकाय त्रिप्लान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय नमः। अभिमान थिएटर में जरूर देखिए, आइए। कलयुग है। नमस्ते विश्वनाथ जी, भगवान के पास भक्त आए ना आए ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप और आपकी बेटी जरूर आएंगे ये मुझे पता था, इसके लिए मैं रुका था। मालिक मालिक मत कहिए पुजारी जी। ओम श्री परमेश्वरानुग्रहप्राप्तिरस्तु। अब तक आपने जो भी देखा वो कुछ भी नहीं था, अभी आप सांप और नेवले की जबरदस्त लड़ाई देखेंगे। पिताजी देखिए। नमस्कार। अगर नेवला खुल गया तो सांप के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पिताजी, भैया जरा ठहरो, नेवले की रस्सी मत खोलो, तुमको पैसा चाहिए ना? कितना चाहिए? 10 रुपए, 20 रुपए, ये भी कम है? तो कोई बात नहीं, ये भी ले लो, ले लो, ले लो। साहब मेरी यही रोजी रोटी है। साहब मेरी बेटी ने तुझे जो दिया है वही तेरे लिए बहुत कुछ है, जा ये सोने के कंगन बेच कर अपनी जिंदगी बना ले, जा। इडली, नारियल की चटनी, सांभर, ये मुझे बहुत पसंद है, तुझे क्या पसंद है? भैया ये पैसे रख लो। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, इससे तो बहुत कुछ काम हो सकता है, इससे मेरी जिंदगी बन जाएगी। ए, ये क्या कर रहा है तू? यहाँ किस लिए आया है तू? यहाँ पर तेरी बहन की देखभाल करने आया है या मेरी जायदाद लूटने के लिए आया है तू? तेरा इरादा क्या है? बिजनेस करने का इरादा। कौन सा बिजनेस कर रहा है तू? यहाँ के पैसे कहीं और जमा कर रहा है क्या? इसको पैसे क्यों दे रही है तू? जी वो छोटे मोटे खर्चों के लिए। हाँ 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 हाँ, क्या छोटा मोटा खर्चा है तेरा? सिगरेट पीना, पत्ते खेलना, यही खर्चा है ना तेरा? ना ना जीजा जी, ये तो बस छोटे मोटे खर्चे के लिए है। पिताजी माफ कर दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए। मामा इतने से पैसों के लिए झगड़ा करते हो तुम? तुम तो मेरे अच्छे मामा हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मामा। लो ये रख लो। ये नहीं सुधरेगा बेटी, चलो भूख लग रही है, खाना खाए। पिताजी एक वक्त नहीं खाएंगे तो क्या होगा? अरे रे 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 रे, आदमी सब कुछ संभाल सकता है मगर भूख नहीं संभाल सकता। चलो तू कैसे मुंह ताक रही है, जा जल्दी से पानी ले आ, जा। स्वर्गवासी मेरे दादा भोलेनाथ, जगन्नाथ, स्वर्गीय पिता काशीनाथ, मेरी सारी कोशिश नाकाम हो रही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सौलभ से माला माल करने वाली वो नागिन
वो मणिधारी नागिन न जाने कहाँ है, उसके जरिए मैं सारी दुनिया को अपने बस में कर सकता हूँ। मैं सारी दुनिया पर राज कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे क्या गलती हो गई है जिसके कारण वो मणि मुझे नहीं मिल रही है। हे देव, ये सब क्या हो रहा है? स्वर देवता, तेरी शक्ति को क्या हो गया? क्या मेरे बीन बजाने में कोई कमी रह गई है? लेकिन इतने सारे नाग फिर मेरे बस में कैसे आ गए? मुझे और कितने दिन इंतजार करना होगा? न जाने मैं कितनी नागनों को अपने बस में कर चुका हूं, लेकिन ये मणिधारी नागिन मेरे बस में क्यों नहीं आ रही है? और अच्छा, वही मेरे पास में नहीं आ रहे तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ए, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ। जय संभवी, उस मणिधारी नागिन को जिस दिन अपने बस में कर लूंगा, सारी दुनिया की दौलत पर मेरा राज होगा। क्यों तुम लोग चुपचाप खड़े हो? लोन लेते वक्त इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगाते हो, देने के टाइम में एक आदमी भी दिखाई नहीं देता है। मालिक विश्वनाथ जी, इस बारे में आप ही कुछ बोलिए। इस बार पैसे नहीं देंगे तो घर को सील करके चले जाएंगे। देखो ऑफिसर, 2 सालों से बरसात नहीं हुई, जमीन सूखी पड़ी है। भगवान ने किसान को पैदा किया है इंसान की भूख मिटाने के लिए। जब किसान को ही भूख लगी हो तो वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा? आप ही बताइए वो कहाँ जाए। ये लोगों को कर लेने से पहले सोचना चाहिए था, असल नहीं दे सकते तो कम से कम ब्याज तो भरना चाहिए। देखो ऑफिसर, हर इंसान पर कभी न कभी मुसीबत जरूर आती है। खेती करने के लिए पैसे लिए हैं, कोई जुआ खेलने के लिए नहीं लिए हैं। जब पैसा आएगा तब दे दिया जाएगा। आप ऑफिसर होके ऐसा नहीं कह सकते, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा कहेंगे तो कैसा चलेगा? लिया हुआ कर्ज अगर नहीं देंगे तो बैंक में पैसा कहाँ से आएगा? सही है, ये अगर पैसा खाएंगे तो 1000-2000 खा सकते हैं। सारा बैंक का पैसा लूट कर विदेश भाग जाने वाले लोगों को आपकी सरकार ने क्या किया? इसीलिए कह रहा हूँ, अपने पैसों के बारे में फिक्र मत कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भर दूंगा। आप जा सकते हैं। चलता हूँ सर। बाप रे, इस मुसीबत से भगवान ने बचा लिया। हाँ, जब मुसीबत आती है तो भगवान याद आता है। भगवान को नहीं पूजेंगे तो मुसीबत तो जरूर आएगी। हाँ, क्या सीताराम जी, फिल्म पोस्टर देखने में आप जितना टाइम बर्बाद करते हैं, वही टाइम आप अगर भगवान की पूजा में लगाएंगे तो ये सब नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? इसीलिए ये तकलीफ आई है। हमारे गांव में सदियों से ये परंपरा चली आई है, सब लोग खुशी से उसे मनाते थे, लेकिन अब लोग उसे भूलते चले जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर इंसान भगवान को भूल जाता है तो भगवान भी उसे भूल जाते हैं। आने वाली शिवरात्रि में भगवान की पूजा करो। सुनो सुनो, हमारे गांव में आने वाली शिवरात्रि में भगवान का कीर्तन भजन पूजा होगी। सब लोगों से बड़ी संख्या में वहां जमा होने के लिए कहा गया है। अरे यार, शिवरात्रि में कीर्तन होता है, पूजा होती है, ये चिल्ला चिल्ला के सबको आने के लिए क्यों कह रहा है? हमारे गांव की परंपरा चलती आ रही है। ये दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, खुशी खुशी शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी का पूजा अभिषेक किया जाता है, शाम तक पूजा पाठ मंदिर में चलती है और पूरे दिन का उपवास होता है और घर जाकर भी पूजा करते हैं। और गांव के चौराहे पर भजन कीर्तन होता है और मंदिर में कोई नहीं रहता। और उसके बाद में? उस रात नाग देवता शिव मंदिर में आते हैं और शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं और मणिकंठ नाग नागिन शिव मंदिर में होते हैं तो भक्तों को दर्शन नहीं देती। उस रात में नाग देवता शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं और उन पर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और उसी रात को मणिधारी नागिन भी आती है। ऐसा अभिषेक करने पर भगवान बहुत खुश होकर उनको आशीर्वाद देते हैं और दोनों नाग नागिन रंभा उर्वशी की तरह नाचते हैं। क्या बोल रहा है, उस दिन नाग देवता के लिए नाच गाना भी होता है और देवलोक से रंभा उर्वशी मेनका भी नाचने के लिए आती है। मरने के बाद स्वर्ग में देखने वाला डांस डिस्को यहीं पे देखने का इरादा है क्या? देखो ये सब नहीं होता है, ये सब बकवास है। नाग देवता भी नहीं आएगी, नाग बड़ी भी नहीं मिलेगी। चुपचाप बैठो वरना फूट जाओ। ओम दक्षं योरावणीमहे
गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् तन्नो अस्तु त्रिपदे सञ्चतुष्पदे नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ महेश्वराय नमः ॐ भवाय नमः ॐ रुद्राय नमः महादेवदेवाय नमः पुनर्दर्शनप्राप्तिरस्तु ಕತ್ತಿಂದ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 
क्यों बैठे हो? मुझे यहीं बैठना है, मुझे यहीं बैठकर तपस्या करनी होगी, तभी एक साल के बाद मैं इच्छाधारी नाग बन पाऊंगा। नागलोक के नियम के अनुसार पुष्कर में पूजा करके और फिर कई पुष्करों में ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के बाद मैं नागलोक में जा पाऊंगा। मुझे दीक्षा पूरी करके नागलोक को प्राप्त करना है। परिस्थितियां ठीक न होने के कारण मैं पिछले साल ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए तो ये मुसीबत झेल रहा हूं मैं। ये तुम क्या कह रहे हो? ज्योतिर्लिंग की पूजा करके तुम नागलोक में प्रवेश कर जाओगे तो मैं कैसे मिलूंगी? हर पूर्णिमा को इंसान के रूप में मैं तुमसे मिलूंगा देवी। सालों की तपस्या जब पूरी होने वाली थी उसी पल में तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। आशीर्वाद दो पिताजी। तुम सदा सुखी रहो बेटी। माँ कहाँ है? भैया भैया ये लो ये लो, ये पैसे रख लो तुम। तू जिंदगी भर नहीं सुधरेगी, कितनी बार कहा है। छी, तू कोई चोर है? तू तो इस घर की मालकिन है, तू चोरी करके इसको देगी? ये जुआ खेल के तुझे क्या फायदा पहुँचाएगा? तू ही बदनाम होगी। ये कोई हराम की कमाई नहीं है, ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं। अगर मैं अभी पकड़ नहीं लेता तो ये चोरी हमेशा चलती रहती। सुन रे, बीवी बच्चों को छोड़कर तू ये सब क्या धंधे करने आया है? कितने दिन तक चलेगा ये? कुछ नहीं जीजा, लक्ष्मी के बर्थडे के लिए गिफ्ट लाना है। छी, चुप कर। पिताजी, ये तो रोज की बात है। हाँ। माँ के पास खड़े होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। लीजिए ना। तुम 100 साल जियो बेटी। मामा जी ये लो मेरा बर्थडे गिफ्ट। भगवान सुखी रखे। चलिए पिताजी। दीदी, नदी के पास खड़े होके देखने से बगले की प्यास नहीं बुझती, प्यास पानी पीने से बुझती है। वो तुम्हें चोर बोल रहे थे और तुम बगुला भगत बने खड़े थे, क्यों? बात क्या है? दीदी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, चपड़ चपड़ करके प्यास नहीं बुझती है, एक ही बार में करके प्यास बुझा लेनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है दीदी? ये लीजिए। बेटी, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। तेरी उम्र इसकी क्यों लगे? अच्छा, जीने का आशीर्वाद दो और ये साड़ी लेके जाओ। सुखी रहो। अच्छा चलो। मालिक विश्वनाथ जी, बेटी का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मना रहे हैं तो शादी तो बड़ी धूमधाम से मनाएंगे आप। आसमान के तारे तोड़कर जमीन पर बिछा दूंगा, सारे गांव वालों को दावत देकर उनको पेट भर खाना खिलाऊंगा
और नए कपड़े भेंट करूंगा और ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि किसी ने नहीं देखा होगा। क्या बात है जीजा, मेरे प्यारी लक्ष्मी की शादी कब देखूंगा, इसी इंतजार में हूं जीजा। गोरा कुट्टी, रुक जाओ वहीं। कुट्टी बाहर निकल। क्या किया है इसने? इसने क्लब में चोरी की है। क्लब में चोरी की है? हाँ सर, ये क्लब काउंटर के पास खड़ा था। मैनेजर जब अर्जेंट कॉल के लिए बाथरूम गया उसी समय इसने कैश काउंटर से 1000 रुपए चुराया और भाग गया। उस दिन मैंने टेबल से पैसे चुराए ये मैं मानता हूँ, उसके लिए मैंने मार भी बहुत खाया, इसीलिए काउंटर में पैसे रख के मैं भाग आया। इसके अलावा मैंने कोई जुर्म नहीं किया जीजा जी। नहीं सर, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसके बारे में पहले भी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। इसको पुलिस हिरासत में लेना होगा। बहुत सही कर रहे हो, ले जाइए। अरे बाप रे, ये लोग मुझे मार देंगे, इस बार मुझे माफ करके बचा लीजिए जीजा जी। सुन, नहीं मारेंगे। आपको पता नहीं जीजा, पुलिस लॉकअप बोले तो टोटल पैकअप, मुझे माफ कर दो जीजा जी। अरे तेरे को वहाँ मारेंगे नहीं तो तुझे ले जाकर वहाँ आरती उतारेंगे, तेरी आव भगत करेंगे। ले जाइए इसे। बेटी लक्ष्मी, तू तो कुछ समझा। पिताजी, क्या कहना चाह रही है बोल। आज मेरा बर्थडे है और आज के दिन वो मुझसे कुछ मांग रहे हैं, एक बार माफ कर दीजिए ना पिताजी। लगता है आज इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, आज इसको छोड़ दो, वो पैसे मैं दे दूंगा। अच्छा सर, हम चलते हैं, चलो। प्याज का धंधा करने के लिए ऑफिस लिया था, पैसा लेने के लिए एक भी आदमी नहीं आया। चालू अगरबत्ती भी खत्म हो गई, अब बची हुई चंदन की अगरबत्ती थी वो भी खत्म हो गई। अब शायद खुद को चलाना पड़ेगा। 5 रिक्शा खरीदा, किराए पर चलवाया, बर्बाद हो गया, रिक्शे के बजाय खुद रोड पर आ गया, दूसरा काम उसमें भी नुकसान। किसी तरह अपनी दीदी और जीजा के साथ रहने का प्लान बनाया था, वहां भी कुछ नहीं हो पाया, तो समझो चौथा प्लान चौथा नुकसान। मामा, खरगोश का मटन खाने में बहुत मजा आता है ना? अच्छा देख, तू एक काम कर, मैं अपने शरीर पे ही नमक मिर्च लगा लेता हूँ, तू ही खा ले, गोश्त खाएगा ना, ले खा खा, नमक भी डाल दी, खा ले खा ले। अरे अरे क्या हुआ दीदी? ओ क्या हुआ बोल। अरे ये मेरा हाथ ही खा रहा था, देखो तो। क्या बात कर रहा है, ले बेटा ये सब खा ले, ये सब पी ले, मेरा प्यारा बच्चा, नजर मत लगा। नजर? हाँ। अरे ये तो नजर को भी खा जाएगा। विश्वनाथ जी, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन अब तो मेरा बेटा ही आपके घर घर जवाई बन के आ रहा है। वही तो, इसको डबल बोनस कहते हैं। हमारी लक्ष्मी तुम्हारे घर गई तो नसीब आपके घर आएगी, तुम्हारा लड़का हमारे घर आएगा तो नसीब हमारे घर आएगा, वैसे हो या ऐसे हो टोटल नसीब आप ही का है। मालिक नमस्ते। आइए गुरु माँ जी। समझे जी, हम सब गांव वाले माँ को मानते हैं और ये कभी झूठ नहीं बोलती है। बैठिए माँ, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। इतनी सुंदर लग रही हो, मेरी नजर न लग जाए। दूल्हा बहुत खुशकिस्मत है, अगर मैं लड़का होती तो तुझसे ही शादी करती। तो क्या हुआ, अभी कर लो। हाँ मेरी शादी तो हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। चुप कर, तू भी ना। हाँ हाँ हाँ, अब मजाक बंद कर, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवंते वो रोकी इस शुभ कार्य को, ये लड़की जहाँ भी जाएगी उसके किस्मत में लिखा है कि सर्वनाश हो जाएगा। इसे जो भी मंगलसूत्र पहनाएगा वो 3 दिन के अंदर मर जाएगा। विश्वनाथ जी, मैं आपकी खातिर ये रिश्ता जोड़ रहा था, मगर मैं क्या करूँ, आपकी बेटी की बदकिस्मती है, मुझे क्षमा कर दीजिए।
बेटी मुझे क्षमा करना। अब यहाँ क्यों बैठे हो? चलो यहाँ से। रुक जाइए भैया, भैया रुक जाइए, उनकी बातों पर यकीन मत कीजिए, आपके मैं पैर पड़ता हूँ। तो एक नंबर का झूठा है। चलो आप रुक जाइए ना। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप बैठ जाइए, मेरी बात तो सुनिए, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। रुक जाइए मत जाइए। शादी नहीं करेगा अब, कोई शुभ कार्य में नहीं जा पाएगी। मैंने सोचा था तू बहुत अमीर आदमी है, और देख ये कितने पैसे दे, हाँ इतने कम पैसे दे रहा है। जरूर दे दूंगा पूर्णा दीदी, बड़ा अमाउंट आना चाहिए ना। दे दो बोल के झगड़ा किया तो जो भी चाल चलिए उसकी हकीकत सबको पता चल जाएगी। तब सारे गाँव वाले लोग आकर तुझे जला देंगे, मुझे गाँव से थड़ी पार कर देंगे, याद रखना। ठीक है। काम हो गया। अरे मेरी मासूम बेटी को क्यों धोखा दिया तुमने? शर्म नहीं आई तुझे? जब तुझे पुलिस पकड़ने आई थी तो उसी ने तुझे बचाया था। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों दुला है? अगर तुझे दौलत चाहिए तो ऐसे ही ले लेता। बस कहीं के मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जा कहीं जाकर मर जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, जा। बेटी तू इसे माफ करने कह रही है? छोड़ दीजिए इसको। इसे छोड़ दे, उठ, मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता, चला जा। दीदी, ओ दीदी। रेणुका इसने क्या किया है पता है? वो काम मैंने ही किया है। क्या ये सब तूने किया है? कौन सी बहन? वही जिसने मेरी खुशियां छीनी, वो बहन। रेणुका पिताजी, उनसे क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ, मुझसे शादी होने के बाद भी 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ मुझे, तो इन्होंने दूसरी शादी की। किससे? तेरी माँ से। 1 साल बाद तेरी माँ को भी बच्चा नहीं हुआ। इस बात से मुझे वाकई में बहुत खुशी थी। फिर उसके कोख से तूने जन्म लिया, मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। तेरे पैदा होने के बाद वो मर गई, लेकिन तू जिंदा होकर मुझे मार रही है। इनसे पूछ ले, जब भी तूने मुझे माँ कह के पुकारा, तुझे खिलाया, तुझे दूध पिलाई, मैं इस घर की मालकिन बनना चाहती थी। तेरे पैदा होने के बाद मालकिन बन के जायदाद लूटना चाहती थी, लेकिन तेरी वजह से वो भी नहीं कर पाई। सालों तक मालकिन बनने का इंतजार करती रही। सोचा कि तू शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि तेरा बाप घर जवाई ढूंढ रहा है। तब मुझे पता चला कि मैं जिंदगी भर मालकिन नहीं बन पाऊंगी। ये जख्म मुझसे बर्दाश्त कभी नहीं हो पाएगा। इसकी सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। जिंदगी में सभी लोग धन दौलत चाहते, ऐशो आराम से जीना चाहते हैं, वो मैं भी चाहती थी। इसलिए मैंने ये चाल चली ताकि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी सकूं। तुम दोनों को ऐसे सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर तुम दोनों रो रो के मरोगे। आज से चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस घर से एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। मैं तुमको चैन से जीने नहीं दूंगी। अभी तक तूने जो कुछ भी किया है उससे उसकी सारी खुशियां बर्बाद हो गई। मेरी बेटी के लिए तेरे मन में इतना जहर भरा है, मुझे नहीं मालूम था तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी नहीं। रुक जाओ तुम। तुमको अगर हाथ उठाना आता है तो मुझे ये उठा हुआ हाथ को तोड़ना भी आता है, समझ गए तुम? याद रखना। चलो भैया। पिताजी, बीती हुई बातों के बारे में मत सोचिए। उठिए पिताजी, उठिए। पिताजी! अरे लक्ष्मी बेटा मत रो,
तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। देवता जैसे इंसान का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। बेटी, तू नाग देवी की भक्त है, कभी निराशा नहीं होगी। मेंटल शॉक की वजह से इनको यह अटैक हुआ है। आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, अगर इन्हें फिर किसी तरह का मेंटल शॉक पहुंचा तो इन्हें जान का खतरा भी हो सकता है, इन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। मैं समझ गई डॉक्टर साहब, उनको किसी प्रकार का गम नहीं दूंगी। वो मेरे सुहाग है, उनका जिंदा रहना मेरे लिए जरूरी है। अब हम चलते हैं। अभी वही कर रही हो ना? चुपचाप चल। डॉक्टर क्या बोले? क्यों रो रही हो? जब पीते को रोती रहती है, वो मरेगा भी नहीं, हमको जीने भी नहीं देगा। अब ये रोने का नाटक बंद करो। तेरी ये रोनी सूरत देख देख कर मैं थक गई हूँ। हॉस्पिटल में कोई देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? हाँ हाँ, तेरी खूबसूरत साड़ी में चाबियों का गुच्छा शोभा नहीं देता। चलो भैया। जन्म लेते ही मुंह से शब्द निकलता है माँ। जन्म से लेकर मरण तक माँ के बगैर जीवन सूना है। आज तू मुझे ऐसा दुख क्यों दे रही है माँ? मैं तेरी पूजा इसलिए करती थी कि मेरे पिताजी हमेशा खुश रहें। आज वो बिस्तर पर हैं, उन्हें लकवा मार गया है, उठ नहीं सकते। तेरे होते ऐसा क्यों है माँ? मैं हमेशा तेरी पूजा करती रही, भक्ति करती रही, मेरे पिताजी को ठीक कर दे माँ। परमेश्वर, 10 ज्योतिर्लिंग की दार्शनिक हूँ, 12वें ज्योतिर्लिंग से किसी भी तरह की तकलीफ न आने की मुझे शक्ति और वरदान दो स्वामी। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुमसे मांगती हूँ, मेरी भक्ति और पूजा के बदले में उन्हें ठीक कर दो। परमेश्वर, मेरी दीक्षा खत्म हो चुकी है, मेरी माँ का मन बदल दो, मेरे पिताजी को ठीक कर दो। नागलोक में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए स्वामी। रामपुर में रहने वाले विश्वनाथ के नाम से जाना जाता हूँ। मेरी सारी जायदाद की लिखी विल है ये। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद मेरी बेटी लक्ष्मी और उसके शादी के बाद दामाद के साथ ज्वाइंट अकाउंट में रहेगी। जमीन, घर, बागीचे दोनों के नाम ही रहेगा। इनकेस मेरी बेटी को कुछ हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो ये सारी जायदाद लक्ष्मीबाई अनाथालय में चली जाएगी। ये मेरी इच्छा से लिखी हुई विल पत्र है। यहाँ पे अंगूठा लगाइए विश्वनाथ। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तो ये सोचा था कि उनके बिस्तर पकड़ लेने के बाद सारी जायदाद मेरे कब्जे में जरूर आ जाएगी। दीदी, पास के देश में एटम बॉम्ब का नाम सुनते ही हमारे देश के लोग घबरा जाते हैं, उसी तरह मैंने बूढ़े की फिटिंग की कटिंग कर दी है। पानी, 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 ए, घर में कोई नहीं है क्या? मुझे एक घूंट पानी तो पिला दो। ये किस नमूने को पकड़ के लाए हो? क्या बोल रही हो दीदी? जीजा जल्दी से अच्छे होने के लिए नहीं, हमेशा के लिए सुलाने को पास के गांव से अच्छा डॉक्टर लेके आया हूँ। स्वागत, सुस्वागत। गुड मॉर्निंग रेणुका मैडम, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। मैं दवा नहीं देता हूँ, बीमारी को दूर भगाने वाली मलाई देता हूँ। जान झटक, मेरे बारे में मैडम को सब कुछ बता दिया है ना? वही दीदी, खाने वाले सिर्फ खाते ही रह जाएंगे, सोने वाले जिंदगी भर सोते रह जाएंगे। हमारे प्लान के लिए एक सही खिलाड़ी, डॉक्टर हिट, पेशेंट आउट। अरे तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे कोई एक घूंट पानी दे दो। हाँ, तुम्हें जो बार बार प्यास लगती है उसकी इलाज के लिए मेरा भाई इस शहर का एक मशहूर डॉक्टर लेकर आया है। मेरा नाम प्रजापति, मेरी डॉक्टरी गजपति भी नहीं, होम्योपैथी भी नहीं, एलियोपति भी नहीं, हरे ओमपति। ये काला चंदन सफेद चंदन मिलाया हुआ वीरप्पन का चुराया हुआ चंदन है, आगे आगे पता चलेगा। जान झटक, डॉक्टर कौन है? कल तक वो हाईटेक बस में कुली होगा, वही काम करता होगा। विश्वनाथ जी, मैं तो ये दवा लाया हूँ आपके लिए कि देखिए तुरंत ठीक हो जाएंगे आप। ये दवा जापान से लाया हूँ, बहुत उम्दा है। अरे एकदम बुलेट जैसी गोली है, आप खा के देखिए, एक एक बीमारी बॉर्डर के बाहर चली जाएगी। लीजिए, खाइए, चलिए चलिए चलिए। बेटी लक्ष्मी, मुझे एक गिलास पानी तो पिला दे।
क्यों गए? आराम कीजिए ना। मैं क्या आराम करूं बेटी, लगता है भगवान ने हमारी तरफ से आंखें फेर ली है। न जाने तेरा क्या होगा बेटी, मुझे बड़ी फिक्र है इस बात की। अरे बाप रे, कितना दर्द हो रहा है। मेरे घर में तो हमेशा पूरी की खुशबू आती है, मगर ये खुशबू है किधर? नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं लगता। चलता अरे भैया, मेरा घर नहीं है। ए भैया, दीदी, ऐसे क्या हैरानी से देख रहा है? केले केले। तेरे जिजाजी आए हैं। हाँ यारे, छोड़ रहा हूँ। तूने आरती का व्यापार कब से छोड़ दिया? आरती का व्यापार ना, क्या बात पूछी आपने। ये सब मंदिर के भगवान के लिए लाया हूँ, ये सब तुम्हारे बच्चे का सिर्फ एक टाइम का ब्रेकफास्ट है, लो नहीं तो मोटू मुझे खा लेगा। क्या बोल रहा है ये? हमारा मोटू कहाँ है? कहीं बाहर खेल रहा होगा। यह मैं अपने परेशानी में हूँ और उसे खाने की पड़ी है, जब देखो खाता रहता है, किसी को कुछ नहीं पड़ी। सुन बे साले, जीजा जी, हमें जीजा के यहाँ जाना है, वहाँ अड्डा जमाना है, उनके धन दौलत पे कब्जा करना है। चल मोटू को ढूंढे। बाबू, जीजा जी क्या पैसे दे दो जल्दी से, नुकसान हो रहा है। मिल जाएंगे ना। तुमने तीन ककड़ी खाई है, एक ककड़ी का 5 रुपया, उस हिसाब से 15 रुपया। मामा आ गए ना। पैसे दो। किसे पूछ रहा है? तेरे बाप से पूछ। मेरे जेब के सारे पैसे तेरे खाने में खर्च हो गए और तू यहाँ बैठा हुआ कपड़ कपड़ खा रहा है। अरे तू इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। ए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तू क्यों आ रहा है? पहले मैं खेलूंगा। अरे 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 अरे, ये तूने क्या कर दिया? अगर वो मर गया तो तेरे पे केस हो जाएगा। अरे चुप रहो, इसे कुछ नहीं हुआ। मैं जब भी खेलता हूँ ये बीच में आ जाता है, मैं क्या करूँ? चलो गिल्ली ढूंढते हैं। ये कौन लड़का है और कहाँ से आया है? ये हमारे गांव का राहुल है, एक जमाने में बहुत कुछ था। छोटी उम्र में पिताजी मर गए, प्यार में पढ़ा पढ़ा। ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, मगर अब इसका कोई नहीं है, कोई घर वाला नहीं है, बस इधर उधर घूमता रहता है, लोगों का यहाँ खाता पीता रहता है। चलो रे राहुल, ये मेरे जीजा कुट्टी हैं, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, चलो आओ। मालकिन, मैंने बरसों आपका नमक खाया, आपकी सेवा की है, ऐसे अचानक आप मुझे निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे भटकने के लिए? क्या काम करेंगे, खेत में कुछ काम नहीं है, बाहर का काम करने के लिए मेरा भाई है, घर का काम तो लक्ष्मी संभाल लेती है, इसलिए कोई काम नहीं है। आप लोग जाइए। क्या रे रंगनाथ, कहाँ जा रहा है तू? हम क्या करें, हमें मालकिन ने निकाल दिया। आप भी समझाइए ना। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है यहाँ कितना काम पड़ा है। दीदी दीदी, तुम आ गए मेरे भैया। इसको काम से निकाल दिया क्या? हाँ निकाल दिया। परमानेंट या टेम्पररी? हमेशा के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, यही बात बताने के लिए बुलाया था। चलो तुम जा सकते हो, चलो। दीदी दीदी, भाभी, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा हुआ। लक्ष्मी कहाँ मर गई? ऐसी क्या देख रही हो? ये सामान क्या तेरा बाप आकर लेकर जाएगा? ये सूटकेस अंदर लेके जाना। हाँ आते वक्त थोड़ा पानी लेके आना, मुझे हाथ पैर धोने हैं। सफर में तुम बहुत थक गई होगी। हाँ मुन्ना। ये क्या मुन्ना, धीरे धीरे खाओ नहीं तो पेट में दर्द होगा। इसको कुछ नहीं पड़ी इसकी दीदी, इसे सिर्फ खाने से मतलब है। वो क्या है ना, मैं इतना नहीं खाऊं ना तो मेरा पेट दुखता है। ये सांबर है ना। अरे अरे अरे, थोड़ा तो रुकना। तुम्हारी अक्कल कहाँ चली गई है, खाते वक्त बच्चे को क्यों टोक रहे हो? पी ले। दीदी आपके पति वही जीजा जी अब तक 2 बार भगवान की पूजा किए होते, अब तक उनको खाने को भी कुछ नहीं दिया है, न जाने वो अपनी भूख अब तक बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। बेटी लक्ष्मी, भूख के मारे जान जा रही है, कम से कम एक निवाला खाना तो खिला दे। इतनी देर तक रुके हुए थे, और एक मिनट ठहरिए, वो लोग खा रहे हैं। क्या मुसीबत आ गई,
उनका जूठा खाना हमें खाना पड़ रहा है। क्या देख रही हो? पिताजी के लिए खाना। हम उतने भी राक्षस नहीं जितना कि तुम समझती हो। वो पहले मेरे पति हैं, बाद में तुम्हारे पिता। उनके लिए खाना रखा है, ये लो। पिताजी। नमक के बदले खाने में लाल मिर्च मिला दी गई है। हाँ, सही कहा। आज से तुमको यही खाने को मिलेगा। जब इनके हाथ पैर सही सलामत थे ना, जाने कितने नखरे सहे इनके मैंने, लेकिन अब नखरे दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। बिस्तर पर पड़े हुए हो तुम। देखो, अच्छा खाना बनाकर देने के लिए इस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन हूँ मैं। जीजा जी, आप दवाई खाते रहिए। तीखा खाने से सेहत अच्छी होती है। खाने में मिर्च मिला के खाने से आपको आई हुई बीमारी अपने आप निकल जाएगी, है ना दीदी? रहने भी दो भैया, जब इनको भूख लगेगी ना तो यही खाना खा लेंगे। चलो। रो मत बेटी। इसको देख, ये लेने से झूम झाम हो जाएगा। फिर भी एक छोटा पेक ले ले। देख, तू खाने के सामने शर्मा, शराब के सामने मत शर्मा। चल ग्लास उठा। अरे सुनो, तुम्हारा पीना कब खत्म होगा? अरे इसको समझाओ तो सही। भूख लग रही है। अरे तू कोई बकासुर की जात का है क्या? मैंने कितनी बार कहा उसे टोका मत करो, खा ले बेटा। तो एक काम कर ले बेटा। क्या पिताजी? इस शराब को भी पी ले। पागल हो क्या? इसको तो खाने से पहले पी आ जाता है, कल मैं पी लूंगा। चलो माँ। अरे वाह वाह वाह। पिताजी, तुम्हारी बदन की मूंगफली। पिताजी, मूंगफली बहुत अच्छी है, मैंने तो पेट भर के खाई है। बेटी, तूने कुछ नहीं खाया है, भूख तेरे चेहरे पर दिखाई दे रही है। एक कैसे दिन आ गए हमारे? पिताजी। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। सवेरे से भूखी हूँ, थोड़ा बहुत खाने को जी कर रहा था, मगर खाने को कुछ भी नहीं है। काम करने वाली को भी खाना दिया जाता है, मेरे नसीब में तो वो भी नहीं है। थोड़ा सबर कर ले बेटी। पिताजी, इस देश में कितने ही लोग काम करके जी रहे हैं, मैं भी दो चार घरों में काम कर लूंगी, पेट तो भर जाएगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। कहाँ जाएगी? अपने बदकिस्मत बाप को लेकर कहाँ जाएगी? ये तेरे खाने पीने के दिन है बेटी, तू मेरे लिए कितनी तकलीफें उठा रही है। पिताजी, मेरी बात तू गौर से सुन ले। जब तक मैं जिंदा हूँ तू अपनी जिंदगी संभाल ले बेटी। वो हमें इसलिए तकलीफें दे रहे हैं कि हम उनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं बेटी। हम क्यों जाएंगे? ये तो हमारा घर है। खुशी या गम जो भी हो, मैं यहीं रहूंगा। जीते जी यहां से कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, तुम्हारी माँ सारे पैसे ड्रॉ कर ले गई। लता। लक्ष्मी, क्या बात है? लता, पिताजी घर में सोए हुए, उनके खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे घर में शुभ कार्य है, तुम्हारे घर में बहुत से लोग खाना खाएंगे, उसी में से मुझे भी एक आदमी का खाना दे दो। अच्छा।
लक्ष्मी क्या हुआ? लता तुम यहाँ पे हो? दीदी अंदर बुला रही है, चलो जा। लक्ष्मी माँ के साथ बात कर लेना, मैं अभी आती हूँ। बेटा लक्ष्मी चलो जरा आओ। लक्ष्मी सुनो, मेरी बेटी की सहेली इसलिए इज्जत से बोल रही हूँ, तू एक मनहूस लड़की है ये सारे गांव वालों को पता है, उस लड़की का तो अक्ल कम है, तुझे बुला लाई लेकिन तुझे तो समझ लेना चाहिए था। पैदा होते ही तेरी माँ मर गई, लड़के वाले तुझे देकर वापस चले जाते हैं, तेरे पिता उनको तेरे वजह से लकवा मार गया, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है। देख यहाँ पे शुभ कार्य हो रहा है, यहाँ से चली जा, चुपचाप चली जा, समझे? चल जा। अरे देखो टेबल पे क्या चाहिए, अरे जल्दी करना उसको। अरे क्या बात है लक्ष्मी? अरे बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या बात है बेटी? पैसा लाना भूल गई, खाना चाहिए। कोई बात नहीं बेटी, जो चाहिए वो लेके जाओ ना। इडली, इडली, अरे दो प्लेट इडली पार्सल कर, चल। क्या चालू लड़की है, क्या हुआ बेटी? तुमने क्या किया पता है? इस घर की इज्जत को सड़क पर ला रही हो, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे पता है? हम तुम्हें खाना नहीं देते, दिन रात तुम्हें तकलीफ देते रहते हैं। तकलीफ दूर करने के लिए एक दिन खाने में मिर्च डाला था, गलत नहीं किया था? इनका वजन कम करने के लिए मैंने खाने में मिर्च मिलाया, तो इसमें मैंने गलत ही क्या किया है? बीमारी ज्यादा होने के डर से डॉक्टर बुला लिया था, गलत क्या किया था? गलत गलत गलत, मैं जो भी करूँ वो गलत है, और आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है क्या? कुछ भी गलत नहीं है। और आपने बैंक में धोखाधड़ी करके एक भी पैसा नहीं छोड़ा, ये गलत नहीं है। भूख से पिताजी बिलख रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, नमक के बदले मिर्च खिला रहे हैं, उनके ही घर में उनके खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, उन्हें भूखा मार रहे हैं, ये गलत नहीं है क्या? साले तो हमेशा जीजा की खुशी चाहते हैं, तुम उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उनकी खुशी के लिए अपनी बहन का सहारा लेकर इस घर को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों के लिए इन्होंने सारी जिंदगी भला ही किया है, और तुम हो इसी घर में रहकर नमक हरामी कर रहे हो। पिताजी ने मेरी देखभाल के लिए तुमसे शादी की, मगर आज तुम क्या कर रही हो उनके साथ? उन्होंने आज तक बुरा नहीं कहा, कभी तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं किया, मगर तुम हो कि उन्हें तकलीफ पे तकलीफ दे रही हो। आज तुम उनके दर्द पे रोने की बजाय खुशियां मना रही हो, अन्याय कर रही हो, उनके सारे घर और जायदाद पर कब्जा कर लिया है। मुझे खाना ना मिले कोई परवाह नहीं, पिताजी को खाना ना मिला तो चुप नहीं रहूंगी। क्या सोचा तुम स्वामी जैसे भाषण देती रहोगी और हम लोग चुपचाप सुन लेंगे क्या? रेणुका मत मार, मत मार इसको, मत मारो माँ। रोको, अरे रोको, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, उसे बचा लो। मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी मासूम बेटी को मत मारो, रुक जा, चाहो तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो, मत मारो, मत मारो उसे। देखो तुम्हारे हाथ पैर कमजोर है इसलिए बिस्तर पर पड़े हो, लेकिन दिमाग तो सही जगह पर है इसलिए अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा। देखो अच्छा खाना बनाकर देने के लिए इस घर की नौकरानी नहीं मालकिन हूँ मैं। अगर मैं क्या करूँ आपकी बेटी की बदकिस्मती? बेटी लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी,
लक्ष्मी, अगर तू मुझे छोड़कर चली गई, तूने खुदकुशी कर ली तो ये लोग जीते जी मुझे मार देंगे। अगर तू इतनी दुखी है तो समझ ले मैं कितना दुखी होऊंगा। अगर तू मरना ही चाहती है तो पहले मुझे मार दे बेटी। क्या देख रहे हो तुम? ये लक्ष्मण परम औषध है, इसे खाते ही तुम्हारी सेहत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जीजा जी, आपकी सेहत का ख्याल हमको भी है। ये दवाई लक्ष्मण को बचाने वाले उस संजीवनी से भी, उस बंदर पर्वत से आए हुए अमृत से भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए कोई जायदाद नहीं रखने वाला एक आदमी, हमारी लक्ष्मी के लिए एक लड़का, किसी भी तरह की कोई खास काबिलियत नहीं रखने वाला एक लड़का, वो राहुल यही तो है। जीजा जी, दुनिया के सारे लड़कों को किसी न किसी तरह का डर लगा रहता है, और वो इसको भी है। जीजा जी, यही तो इसका वीकनेस है। हमको भी पसंद है, तुमको भी पसंद आएगा। लक्ष्मी, इसके मुंह पे पानी मारो। चलो। बेटा, लड्डू खा रहा है क्या? खा 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 खा। जीजा, जीजा जी, तू खा ले बेटा। हाँ, अरे मेरे बेटे को लड्डू तो खिलाओ। जीजा जी, ये देखिए मैं क्या लाया हूँ। तीसरी सबानु नाम सम वस्त्र शून्यम। अमावस के रविवार को कड़कती धूप के 12 बजे रामपुर के रहने वाले बीमा श्री विश्वनाथ की इकलौती दलित्री लक्ष्मी लिंगापुर गांव के रहने वाले मगम शांतम्मा की इकलौती संतान हैरान परेशानियों से भरा हुआ राहुल मंदिर में जाकर साढ़े शादी के छप्पर सर पर रखे हुए धूप से भरे हुए जलते मूर्त में दोनों विवाह संपन्न करके दुखों को भोगने का आशीर्वाद देने के लिए आपको निमंत्रित किया जाता है। ऐसे अशुभ मुहूर्त पर सहपरिवार आने का कष्ट करें। आपका बीमार विश्वनाथ। चचा चचा चचा, ये बुरी खबर है ना जीजा जी? ये कैसा लिखा है मैंने? शादी के कार्ड को ऐसे मरोड़ कर नहीं फेंकते। ये कैलेंडर नहीं है। अरे ये शादी का कार्ड है राक्षसनी, इस कार्ड को मैं बटने नहीं दूंगा, शादी होने नहीं दूंगा। जीजा के ऊपर सीरियस एक्शन लेने का मन था, लेकिन तुम्हारा ये सेंटीमेंट बीच में आ गया। इन्होंने मेरी सेंटीमेंट की क्या कदर की है बताओ? जब इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाने के ठीक 5 साल बाद इसकी माँ से शादी कर ली, उसी दिन सारे सेंटीमेंट्स खत्म हो गए। देख लक्ष्मी, इस सेंटिमेंटल सिचुएशन का सेंटर पॉइंट तुम हो। देखो, इस राहुल के साथ तुम्हारी शादी पक्की हो गई, तुम्हारे पिता रोक रहे हैं। तुम दोनों के लिए शुभ दिन हम लाना चाहते हैं, मगर तुम्हारे पिताजी ये नहीं चाहते, तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में। बेटी, नहीं नहीं बेटी, ये शादी के लिए कभी हाँ मत करना, वरना ये लोग तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ओ क्या बात है, ये प्रॉपर्टी की विल लिख के आपने बहुत गलत कर दिया, इसे हम कतई पसंद नहीं करते। तुम्हारी बेटी की शादी के बाद ये जायदाद तो दामाद के हाथ आएगी, तब ये हमारे हाथ में आ सकती है। ये हमारी साजिश नहीं, चाहत है। इसीलिए तो ये शादी तय की है। जल्दी से तुम मान लो या वो मान ले, वरना कुछ भी हो सकता है। आसमान से लेकर जमीन तक चारों तरफ
मंत्र और पंडितों की आवाज गूंजती रहेगी, जनरेटर फेल हो सकता है, बिजली गायब हो सकती है, लेकिन सूरज हमेशा चमकता रहेगा। इसकी रोशनी को बिजली की लाइट बनाकर खुले मैदान में शादी का आयोजन कर रहे हैं। कैसा लगा अरेंजमेंट? बोलो, शादी का न्योता सारे गांव को दिया, एक भी शादीशुदा औरत नहीं आई, इसलिए कि अगर इस शादी में आएंगी तो उन पर मुसीबत आ सकती है। कितने निमंत्रण कार्ड बांटे मैंने, लेकिन सब वापस आ गए। इस शादी में जाने से हमें क्या फायदा, सब लोग यही पूछ रहे मुझसे। अरे वो समझती हैं कि उनके घर बर्बाद हो जाएंगे इससे। बताइए भला ऐसा कहीं हो सकता है? मैं कहता हूँ अक्षता दाल को नमस्कार करो। राहुल, जिंदगी में ये बड़ा अच्छा मौका आया है। अरे सोच क्या रहे हो, आ बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमः। ये पंद्रह लोग तो मुहूर्त बीता जा रहा है, मंगलसूत्र हाथ में लो। मांगल्यम तंतुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे बद्धामि सुभगे त्वं जीव सर्वांशकम् सोच क्या रहे हो? अरे पैर पड़ो, आशीर्वाद लो इनका। जीजा जी, बेटी और दामाद को आशीर्वाद दो। अब तुम चाहे जितना भी गुस्सा हो, है तो तुम्हारी ही बेटी और दामाद, आशीर्वाद दो। अरे तुम नहीं दोगे तो कोई और आशीर्वाद दे देगा, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम लोग अपना काम शुरू करो। La 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 la
ये सब क्या है? आधी रात तुम्हारे मंदिर में आने का मतलब? ना जाने आज क्या हो गया है? मेरी शादी से पहले मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। तुम्हें देखे हुए माँ कितने दिन हो गए, मुझे मेरे ही घर में खुशी नहीं है। पिताजी बिस्तर से लग गए हैं, अब तुम ही मुझे आशीर्वाद दो। क्यों माँ इतना गुस्सा? ओहो, शादी में आशीर्वाद लेने नहीं आई इसलिए। मेरी गलती को माफ कर दो, सदा खुश रहूं या आशीर्वाद दो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो तुम्हारा पति नहीं है, मेरा पति है। वो तुझे नहीं मिलेगा। वो तुम्हारा पति नहीं है, मेरा पति है। वो तुझे नहीं मिलेगा। लक्ष्मी, पूजा के बाद ये दिव्य शक्ति उसे कैसे मिली, हम दोनों का संबंध कैसे जुड़ा, यही सोच रही हो ना? सिर्फ पात्र तेरे हाथ में है, परंतु सारे शरीर का अधिकार मेरा है। यहां तक कि इसकी मौत भी मेरे हाथ में है। मेरा पति सिर्फ तुम्हारी वजह से है, आज तुम्हारी कृपा से जिंदा है वो। अगर तुम उस दिन सही वक्त पर नहीं आती तो मैं अपने पति को खो बैठती। तुम अपनी पुजारिन को वचन देकर आज खुद उस वचन को तोड़ रही हो। उसका शरीर केवल मानव के आकार का है, परंतु अंदर जो जान है वो मेरे। देवी माँ, लक्ष्मी, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं मंदिर में कैसे आ गया? वो मैं ए, नए दुल्हा दुल्हन, शादी के बाद भगवान शिव का दर्शन लेना भूल गए क्या? वो शिव और नागमा का आशीर्वाद तुमको जरूर मिलेगा। चलो, पूजा का समय हो रहा है। ओम वाम देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। कहाँ गई थी बेटी? वो रात में रात को घर में सुहागरात नहीं मना पाई, इसलिए पति के साथ घर के बाहर सुहागरात मना करा रही हो। दीदी, तुमने इनके लिए पलंग मंगवाया क्या, फूल मंगवाया क्या, दूध का गिलास मंगवाया क्या? बाहर जाके इन्होंने सुहागरात मना ली तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? क्या कहा? मैंने जो भी कहा वो इंडोर के बारे में था। मैंने तुम्हारे आउटडोर के बारे में कुछ कहा क्या? तुम सुहागरात कहीं भी जाके मनाओ, हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हीरो हीरोइन की तरह टोए गाओ, पहाड़ों पे घूमो, मंदिरों में जाओ, बाहों में बाहें डाल के घूमो, इधर से उधर उधर से उधर, हमें क्या? ए जूनियर, धीरे से आगे बढ़ना,
जल्दबाजी की तो बेटी पैदा होगी और इससे तुझे दुख होगा और हमको सेंटिमेंट होके एंटमेंट होगा। मेरे दर्शन को आए हुए भक्तों, मेरा आशीर्वाद तुम्हें रहेगा। अरे वंडू, ये ले मेरा पंडू, ये खाकर ही जाएगी प्यारी गुंडू। आऊं स्वामी, स्वामी बचा लीजिए स्वामी। कौन हो तुम भक्त, उसी बुतों से परेशान लग रहे हो, बताओ क्या तकलीफ है? स्वामी, आंध्र प्रदेश के बाजू में महाराज के बॉर्डर में झपसक गांव में रहता हूँ। एक जमाने में हीरे मोती का व्यापारी था, बहुत बड़ा, पर अब नहीं। मेरा नाम झोल राव है, अब राव नहीं रहा, सिर्फ झोल है और सिर्फ चिल्लर बच्चा है। भिखारी हो गया है क्या? नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, बस कंडक्टर भी ऐसे ही चिल्लर लेके शास्त्र पूछते हैं। हाथ दिखा। राइट है, आइए लीजिए। अरे अरे, किस्मत की रेखा बहुत छोटी है मेरे भक्त, तेरे बाल के भौरी को देखकर तेरा नसीब बताता। ओके स्वामी। रेखा मिट गई है, और कोई उपाय है देखकर बताता हूँ। फिर से माला माल नहीं हो सकता, वो ऐसे दिखने में नहीं आएगी भक्त, तेरे आगे पीछे कोई है तो क्या जिंदगी भर मैं ऐसे ही मारा मारा फिरूंगा? एक बात बता, तेरा कोई सगा साला है क्या? नहीं स्वामी। तेरा कोई जीजाजी है क्या? है स्वामी, बड़ा दलिद्र आदमी है, उसी की वजह से तो मेरा ये हाल है। उसके बदन पर कोई मस्सा है क्या? मस्सा किस बात के लिए स्वामी? उसके बाई ओर मस्सा हो तो तेरी किस्मत खुल जाएगी, अगर बाई ओर मस्सा हो तो उसकी किस्मत खुल जाएगी भक्त। मतलब अगर मस्सा नहीं होगा तो मेरा ये चांस भी खो जाएगा क्या स्वामी? डरो मत भक्त, उसका भी उपाय है। ऊटी के जंगलों से बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हुई अद्भुत जड़ी बूटी है, उसे देता हूँ, पानी में डाल के जीजा जी के बदन पर लगाना, मस्सा नजर आ जाएगा, उसका नसीब खुल जाएगा, तेरा नसीब भी खुल जाएगा, सबका नसीब खुल जाएगा। जल्दी दे दो स्वामी। देता हूँ। अरे भाग स्वामी, बदन पे लगाने के बाद थोड़ी खुजली होगी, जीजा जी को बोलना डरना मत। स्वामी अगर मस्सा नहीं मिला, मस्सा इसे लगाने से भी नहीं मिला, मत कर, चल जा। स्वामी जा, स्वामी जाता हूँ स्वामी। सोने जैसे मेरे बेटे, तू पेट भर कर खा। दीदी, अरे भाई तू कहाँ चला गया था, ये हाथ में क्या लेके आया है? अरे कुछ भी नहीं, तुम इधर उधर की बातें मत करो ना, रस्ते में मछली बिक रहा था, होलसेल के भाव से तो लेते आया हूँ। दीदी, मेरे शरीर पे होते मस्से, बनते अच्छे अच्छे किस्से, किससे होते मस्से, मस्से होते किससे। जीजा जी कहाँ है, मक्खी मार रहे हैं? बदमाश, क्यों तू ऐसा बोल रहा है? मजाक कर रहा हूँ दीदी। माधुरी, हाँ? सलाम रेणुका जी, आप कैसी हैं? अरे आपसे एकदम चिकनी बन गई है, मेरी दीदी भी चिकनी हो गई है, कमाल हो गया है। तो तेरा भाई बहुत बातें करने लग गया है, अंदर ले जाकर खाना खिला दे। दीदी, जीजा जी कहाँ है? नहीं है इधर, तो उधर देखता हूँ, शायद उधर हो मस्सा। इस कान पे नहीं है, इधर भी। अरे मस्सा तू है किधर, मिल जा तू, देखता हूँ तुझे। चाहे क्यों ना आपके सारे कपड़े उतारने पड़े, इनका माल छोड़ूंगा, कपड़े उतार के भी देखूंगा, एक एक कपड़ा उसने छोड़ूंगा। क्या हो रहा है, अरे ये तो क्या कर रहा है, इज्जत लूट कर दम लेगा ये मेरी, अब बचाओ मुझे। हाँ ले आजी, हाँ ले आजी। अरे 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 बचाओ, कहीं मत जा, अरे मेरी किस्मत इनके बदन में लिपटी है, मैं मसल ढूंढ के रहूंगा। भाई को हटाओ, वरना मैं क्या करूंगा? पानी नहीं लाई तो आप मर जाएंगे, थोड़ी देर प्यास रोक लो, आप मर जाएंगे तो मेरे नए मंगलसूत्र का क्या होगा? ये तुम्हारे ऊपर मस्सा ढूंढ रहा है, मिल गया तो किस्मत खुल जाएगी, थोड़ी देर संभाल लो। मैं कुछ करने लायक नहीं रह जाऊंगा। जी, आप यहाँ मस्ती में बात कर रहे हो और मेरी किस्मत को। ए तू क्या मेरे कपड़े उतारेगा? किसी बदमाश ने तुझसे कह दिया कि मेरे बदन में मस्सा है और तू मेरे कपड़े उतारने आ गया, अभी रोक, मैं बताता हूँ तेरे मस्सा ढूंढो। लक्ष्मी, वो तुम्हारा पति नहीं है, मेरा पति है। लक्ष्मी, वो तुम्हारा पति नहीं है, मेरा पति है, का अधिकार मेरा है, यहाँ तक कि मौत भी। बचाओ, बचाओ, पिताजी, साइन कर कहा ना? नहीं करूंगा,
तुम मुझे जान से भी मारोगे तो भी साइन नहीं करूंगा। मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ तो क्या हुआ, अभी मुझ में ताकत है। जब तक साइन नहीं करेगा तब तक मारता रहूंगा तुमको। मार से बचना है तो साइन कर, साइन कर। आपकी पैर पड़ती हूँ, पिताजी को छोड़ दो। मारना मेरी हॉबी नहीं है, ये तो ऐसे ही लाचार हो चुका है, बिस्तर पर पड़ा पड़ा सड़ रहा है। हमारा खर्चा कैसे चलेगा? खर्चे के लिए पैसे चाहिए ना, इसीलिए हम बगीचा बेच रहे हैं। तो ये पेपर पर साइन नहीं कर रहा है तो मारना पड़ेगा ना पिताजी। दस्तखत कर दो पिताजी। समझ ले बेटी, ये एक नंबर के चोर हैं। मामा, मौके की नजाकत को समझो, हर इंसान के अंदर थोड़ा सब्र होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है। मुझे एक मौका दो, तुम जाके एडवांस ले लो, मैं इनसे दस्तखत करवाता हूं। अरे बेटा, लाख टके की बात कही। वाह मेरे बेटे वाह, बहना चलो चल के मान लेते हैं। चलो ससुर जी, आपको समझाने की मेरी उम्र नहीं है, फिर भी इस हालत को देखने के बाद मुझे बोलना पड़ रहा है। तुमको ससुर जी ये लोग तकलीफ देंगे और कहेंगे कि सारी जायदाद मुझे और लक्ष्मी को मिलेगी, मगर हमसे वो ये सब आसानी से छीन लेंगे और खुद मौज मस्ती करेंगे। ये उन लोगों का प्लान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आपकी देखभाल करूंगा। आप दस्तखत कर दीजिए ससुर जी, उसके बाद भी ये क्या कर लेंगे सोचिए मत। एक बात कहना चाहूंगा, गौर से सुनिए ससुर जी, मैं उनके नहले पर तहला चलूंगा, उन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, दस्तखत कर दीजिए ससुर जी, कर दीजिए। बेटी लक्ष्मी, अगर मैं चाहता भी तो तेरे लिए ऐसा पति कभी नहीं मिलता। दामाद को लोग अपना नहीं समझते, मगर मैं उसको अपना बेटा मानता हूँ। कितनी मीठी बातें करके साइन करने के लिए मना रहा है, साइन कर दूं क्या बेटी? मैं ससुर जी। कैसा ससुर? ससुर बोल के मुझसे साइन करवाना चाहता है? मैं तेरी मीठी बातों में साइन करने वाला नहीं हूँ। सुन, इस बंटवारे में तेरा कितना हिस्सा है? हिस्सा? मेरे पास कितनी जायदाद है इस बारे में आपको बताऊं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि मैं बादशाह हूं, मगर कुछ परेशानियों की वजह से पागलों जैसे घूम रहा हूं। काम देने के बहाने ये लोग यहां ले आए और यहां लाने के बाद लक्ष्मी के साथ शादी करा दी। मैं बेसहारा हूं और आप मुश्किल में हैं। मैंने बहुत सोचा, मैं नहीं तो किसी और से ये शादी करा देते, तब शायद वो लोगों से ज्यादा खतरनाक होता, तो आपकी हालत और खराब कर देता। अपनी हालत ठीक होने के बाद आपकी मदद करूंगा ये सोच के लक्ष्मी से शादी कर ली। मैं उनके प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो कितना भी कह ले, मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं अपने जीते जी इन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करूंगा। तू मेरी बेटी के लिए मनहूस है। आपको मैं कैसे समझाऊं बताइए, मेरी आदतें अच्छी है, इसका यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं? जो कहूंगा करेगा क्या? अगर उससे आपको भरोसा होता है तो जरूर करूंगा। तूने जो मंगलसूत्र पहनाया है वो उतार ले, तब मैं समझूंगा कि तू एक अच्छा इंसान है। रुक जाओ। तू इसे क्यों रोक रही है बेटी? तेरी शादी थोड़े ही हुई थी। पिताजी, मेरी शादी जल्दी में हुई थी ना, तो शादीशुदा औरतों ने आशीर्वाद दिया, पंचदेव को साक्षी मानकर सिर्फ मेरी शादी हो गई। पिताजी, खुशी से घर बसा के जिंदगी गुजारने का आशीर्वाद देने वाले आप ही मेरी शादी में दीवार क्यों बन रहे हैं? अब मैं कहाँ जाऊँ? ओफो, मैं तुझे कैसे समझाऊँ बेटी लक्ष्मी। लक्ष्मी, तेरी पसंद का पति नहीं है ये, आशीर्वाद देकर लाया हुआ पति नहीं है ये, ये इस घर के लायक भी नहीं है, वो हमारी बर्बादी का एक मोहरा है। मेरी बात मानो बेटी, मंगलसूत्र तोड़ के फेंक दे, हमारी मुसीबत दूर हो जाएगी। ससुर जी, ओ माफ कीजिए विश्वनाथ जी, इस तरह की शादी से आप मुझे दामाद नहीं समझेंगे, इसलिए जिस दिन मुझे इस घर में आप दामाद की हैसियत से स्वीकार करेंगे उस दिन मैं वापस आऊंगा। मैं जा रहा हूं। रहना चाहिए, मगर मेरे पिताजी को बेटी की सेवा और देखभाल की जरूरत है। मेरे लिए रुक जाइए, आपको मेरी कसम।
सोचा था कि दोबारा नहीं आऊंगी, मगर फिर से आना पड़ा। उस दिन मैं वहां नहीं आई होती तो आज मेरे पति जिंदा ना होते। अपने ही भक्त को खुद डस के उसकी जान को बचाकर उस बात को आप क्यों भूल रही हैं माँ? दीर्घ सुमंगल का आशीर्वाद देके शादी होने के कुछ ही दिनों में आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तेरा पति केवल 3 दिन से तेरे साथ नहीं है तो तू इतनी परेशान है, लेकिन अपने पति के बिना वो दिन रात मैंने कितनी बेचैनी के साथ गुजारे होंगे ये तो केवल मुझे पता है। जिसको तू अपना पति मान रही है वो तेरा पति कैसे बना होगा, तुझे इस बारे में कुछ मालूम है क्या? उस दिन पूर्णिमा की रात में ला 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 ला।
हाथ चलाओ। अरे राघव। हाँ माँ जी। देखो खाना वक्त पे बन जाना चाहिए, समझे? बन जाएगा माँ जी। राहुल कहाँ चला गया? राहुल, माँ, राहुल यहाँ भी खेलना जरूरी है, खेलने दो ना। राहुल। हाँ आ रहा हूँ। क्या भोजन की खुशबू आ रही है। देवी, ये इंसान तो अपने घर में ही पूजा पाठ कराते हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और एक बात और समझ में नहीं आती कि इस तरह साल में एक मर्तबा खाना पकाकर पूजा क्यों करते हैं? मुझे लगता है शायद ये पशु पक्षी जैसे प्राणियों को खाना खिला के अपना प्रकृति प्रेम दिखाने आए होंगे, है ना देवी? क्या सोच रही हूँ? कुछ भी नहीं, ये पूर्णिमा ऐसा ही रहेगा तो आप नागलोक नहीं जाएंगे ना? देवी, आप मेरे लिए इंतजार कर रही हैं और इस कारण आप उस ज्योतिर्लिंग की यात्रा को भूल रही हैं। मुझे पता है यह आसान नहीं है, सभी इम्तिहानों के बाद ही हमको परम शिव की कृपा से नागलोक में प्रवेश मिलेगा और उसके बाद हमारी हर रात पूर्णिमा की सुनहरी रात होगी। इस वन में भोजन की खुशबू हमको खाने के लिए दावत दे रही है, चलो देवी। क्या देख रही हो? खाओ। जाओ जल्दी से पान लेके आओ। माँ। हाँ? तुमने पेट भर के खाना खिलाया है, तुम अपने बच्चों के साथ 100 साल खुशी से जियो। हम चलें। तांत्रिक को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक दिन ये हमको भी बंदी बनाकर हमारा मणि ले लेगा। जल्दबाजी करके हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे देवी, उसके पास महातांत्रिक शक्ति है और वो अपनी बीन के सरों से सम्मोहित करके नागों को वश में करने वाला महातांत्रिक है। मैंने उसको डस के मारना चाहा, मगर नाग के जहर का उस पर कोई असर नहीं होता। मतलब उसके डर से हम अपनी खुशियों को भूल जाएं क्या? उसकी ताकत के बारे में सोचने से अच्छा हम उससे होशियार रहे। देवी, अब उस तांत्रिक के बारे में सोच के अपनी पूर्णिमा की रात को अमावस की रात क्यों बनाए? चलो चल। क्या देख रहा है गिली? लेके आ, वहाँ पर झाड़ियाँ हैं। ठीक, मैं लेके आता हूँ। अरे रुक जाओ, वहाँ झाड़ियों में मुझे डरवा नहीं लगता है, मेरे सीने पे बड़ा तिल है, मैं जाके लाऊं। बेटा है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे बचा लो।
आज बैठो। राहुल, राहुल, बेटा क्या हुआ तुम्हें? नहीं ये वही तो नहीं है। सुनिए, पैर को रस्सी से बांधो, लड़के को सोने मत दो, मैं अभी इसका इलाज करता हूँ। देवी तुम उदास क्यों? मुझसे भूल हो गई स्वामी, एक घंटे पहले हमें खाना खिलाने वाली औरत को उसके बच्चों के साथ 100 साल तक खुशी से जीने का आशीर्वाद दिया था मैंने, उसी के साथ ही अनंत कर बैठी मैं, ये कैसा अपराध किया मैंने? तुमने उसे बिना वजह तो नहीं डसा? उस लड़के की गलती की उसे सजा मिली, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? उस औरत ने मुझे पेट भर खाना खिलाया, बदले में मैंने उसे दर्द दिया, उसके बच्चे को बचाना होगा, नहीं तो देव शक्ति का कोई मतलब नहीं। ये कैसे होगा, प्राणदाता तो परमेश्वर है, हमारी देव शक्ति इतनी नहीं है। विष मुझे पीना पड़ेगा। तब क्या होगा पता है? तुम्हारी जान उसमें जाएगी तो वो जिंदा हो जाएगा, परंतु तुम मर जाओगी। वही सही, मैं बच्चे को बचाऊंगी, उसे जिंदगी दूंगी, अपनी पसंद की नाग देवी की पूजा करने वाले लोगों की मुसीबत दूर करूंगी, यही हमारा प्रायश्चित। अगर तुम उसको बचाना ही चाहती हो तो मैं उसे बचाऊंगा। तुम घबराना मत, मैं नागलोक का रहने वाला हूँ, मुझे ये शक्ति प्राप्त है कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ। ये मेरे लिए मौत नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में मेरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी और उसके रूप में मैं जीवित रहूंगा। तुम्हारा जहर उसके शरीर से चूस कर मेरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इंसान की उम्र नाग से कम होती है, उसके मरने के बाद मेरी आत्मा फिर से उसी तरह वापस मेरे ही शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इससे पहले कि वो मरे तुम जल्दी से वहां पहुंचकर मेरी आत्मा को अपनी शक्ति से पहचान लेना, ताकि जिस किसी क्षण तुम किसी मनुष्य को देखो और उसके शरीर में मेरी आत्मा दिखाई दे तो समझ लेना कि उसमें मुझे देख रही हो। देवी होकर इस बात को तुम समझ लो और पति होकर मैं तुम्हारा काम करता हूँ। लेकिन रोकना मत, तुम्हें नटराज की कसम। बचाने के लिए नाग देवता को भेजा है। ये लड़के के शरीर से जहर चूस रहा है, ये कोई मामूली सांप नहीं है, ये जरूर इच्छाधारी सांप होगा और वो भी यहीं कहीं होगी। हमारे सुख तो अंत हुआ, समझ लेना कि मैं इस धरती पर रहने वाला एक मामूली इंसान था, मैं एक नाग देवता हूँ, इस बात को भूल जाना, इस बात को भूल जाना। पूर्णिमा कब आएगी? तुमसे मिलने के लिए मैं कितनी बेचैन हो जाऊंगी, तुम दूर जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी स्वामी, कैसे जीऊंगी? बुरे वक्त में हमें नागलोक से नहीं आना चाहिए, तो भूलोगे? तुम इस श्लोक में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके परम शिव को प्रसन्न कर लेना। एक बात ध्यान से सुनो, मेरे नाग शरीर को बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि मेरी जान इस शरीर के अंदर छुपी हुई है, ये बात तुम कभी मत भूलना, और तुम उस तांत्रिक की नजरों से दूर रहना, दूर रहना। इस बारे में अगर तांत्रिक को पता चल गया तो मेरी आत्मा को बंदी बना लेगा वो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, वो देखो लक्ष्मी, लाश बनके पड़ा हुआ है मेरे पति का शरीर। ज्योतिर्लिंग की पूजा करके दीक्षा प्राप्त करने के बाद हम दोनों एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। एक बच्चे के नादानी पर उस पर क्रोधित होकर मैंने उसे डस लिया। किसी माँ को अपने बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पति ने उस बच्चे की जान बचाई और ऐसे में वो खुद मर गए। ऐसे में मेरे जीने का कोई मकसद नहीं, इसलिए मैंने अपने पति को पाने के लिए उस बच्चे को मारकर अपने जन्मस्थल नागलोक में ले जाना चाहती थी। नाग शक्ति से अपना उद्धार करना चाहती थी। माँ, तुम्हारी ताकत से जो जहाँ भी हो पता लग सकता है। मेरा पति जहाँ भी हो उसका पता तो लगा सकती हो ना। मेरे दर्द को आप समझ नहीं रही हैं माँ। लक्ष्मी, तेरी समझ के बाहर एक और कहानी है। उसके शरीर के अंदर देव शक्ति है, लेकिन इस वक्त उस शक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर तू वाकई में मेरी सच्ची भक्त है तो मुझे अपने भक्त के सामने हाथ जोड़ने की विचित्र स्थिति में क्यों डाल रही हो? माँ, उससे मिलने की बात भूल जा, भूल जा। माँ, शक्ति देने वाली आप ही ऐसा कहेंगी तो हमारा क्या होगा? उनके पास तो देव शक्ति है, तो मानव शक्ति आकर वो किसी भी शरीर में बच सकते हैं ना? बताओ माँ। लक्ष्मी, मेरे पास जो देव शक्ति है वो मैं किसी को दे नहीं सकती और ना ही उसे दोबारा प्राप्त कर सकती हूँ। हमको आशीर्वाद देने वाले आप ऐसा कहेंगे तो मैं जाकर किसके आगे अपनी झोली फैलाऊंगी? तू इतनी सी बात के लिए चिंतित हो रही है लक्ष्मी? मेरे पास जो तपस्या की शक्ति है वो अगर नष्ट हो गई तो किससे कहूंगी? माँ, एक बात समझ लो, उस दिन आपने जान दे के बचाने का वादा किया था, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो ज्योतिर्लिंग का क्या होगा? आपके श्रम का फल क्या है? इंसान कम साल जीता है। आपके पति ने मर के जिंदा होने का वादा किया था तो दोबारा लौट कर वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? ये त्याग किस लिए? क्या आप स्वार्थी बन गई है माँ? स्वार्थ तो मानव के लक्षण है, त्याग देव के लक्षण है माँ। सुनो, मेरे पति को मारना है तो पहले मुझे मारो। ये तेरी भक्ति मांग रही है, मुझे मार दो या जिंदा रखो, तुम्हारी मर्जी। स्वामी, ये पकड़ो अपना लक्की भस्म। क्यों, तुझे मस्सा नहीं दिखा? सिंगल साइड में भी नहीं हुआ स्वामी। फिर तुझे गुप्त स्थान पर लक्की मस्सा जरूर मिलेगा। मतलब मेरे पास है क्या? नहीं, तेरे जीजा जी के पास है। मेरी किस्मत और जीजा जी के मस्से से क्या मतलब? चुप कर। आसमान में उड़ने वाली रॉकेट को यहाँ साइंटिस्ट लोग जमीन पे बैठकर रिमोट से कंट्रोल करते हैं। ठीक वैसे ही तेरे जीजा के मस्से का कनेक्शन करवा दूंगा, जाके ढूंढ। मेरे जीजा जी के पिछवाड़े में देखू क्या स्वामी? नहीं भक्त, हाथ पर देखू क्या? हाथ में, पैर में नहीं। मतलब और कहाँ देखू स्वामी? इधर। तुझे गुप्त ज्ञान मालूम है? कौन सा हाथ स्वामी? गुप्त ज्ञान रे। अरे मेरे पास बुद्धि ज्ञान ही नहीं है तो गुप्त ज्ञान कहाँ होगा स्वामी? अरे बेटा, तेरे जीजा जी के बदन में कोई प्राइवेट जगह पर जाके देख। कमर के नीचे मस्सा है क्या? क्या कहते हो स्वामी? पता नहीं चला, एक बार खड़ा हो जा। अच्छा, मैं समझ गया। पंडुते, मार डाला, फोड़ डाला। छोड़ो, वो तेरा भाई कहाँ है? वो एक राज की बात बताने वाला था, पागलों की तरह चला रहा था। जी जा, आने वाला नहीं, आ चुका हूँ। दीदी, तुम जरा बाहर जाओ, ये एक राज की बात बताने वाला, तुम बाहर जाओ। ठीक है, जाओ ना बाहर। जी जा, एक बात करनी तुमसे। अबे ये क्या कंफ्यूजन है?
राज की बात जीजा। बाप रे, फिर से भसम लाया है क्या? अरे रुको सुनो तो, वो काम नहीं कर सकी इसलिए दूसरी चीज लाया हूँ। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, दीदी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तेरी दीदी को पता नहीं चलना चाहिए, क्या बात? अरे हम लोगों की किस्मत खुल जाएगी। रुको, अरे जल्दी बोलना, जल्दी बोल। बताने की नहीं, दिखने की है, दिखाने की है। अरे लाइट बंद कर देगा तो तुम्हें देखेगा कैसे, बता। किसी को कुछ दिखे नहीं, पेंटाज से देखेगा। देख देख देख, जल्दी देख। दीदी को नहीं बताओगे ना? जो भी बोलना है जल्दी बोल। मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं बताओगे ना? नहीं बताऊंगा, अब तो बोल। नहीं बताना? अबे दिमाग खराब मत कर, जल्दी बता। मैं ज्योतिषी के पास गया था। क्या कहा? मेरी किस्मत में करोड़पति बनना है। अरे कब कहा, कैसे, जल्दी बोल। दीदी को नहीं बताओगे ना? अबे मुंह खोलेगा कि नहीं, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी। नहीं बताओगे ना? अबे तेरी तो मैं बता दे, बता दे मेरे बाप। जीजा, हाँ? जीजा जरा पैंट खोलो। जीजा पैंट खोलो, जीजा पैंट खोलो। क्या कहा तुमने? पैंट खोलो जीजा, वहाँ पर दो मसे हो तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। हाँ खोलो ना पैंट, वहाँ पे जीजा। अबे तेरी तो, दीदी को मत बताना, दीदी को मत बताना बोले जा रहा है और फिर मेरी पैंट उतारने के लिए क्या? तेरी तो मैं नहीं जीजा, जिसने तुझे ये बताया है ना कि मेरे बदन में दो मस्से हैं, अगर वो तकदीर से मिल गया ना तो मैं उस भूतनी के ऑमलेट बना के खा जाऊंगा। क्या हुआ जी, क्या बात है? तुमको बताना जरूरी है। जी के पास तो बोला है, दूसरे के पास नहीं बोला। तुम्हारे भलाई के लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है, तुम उसे मार रहे हो। चलो वो राज क्या है मुझे बताओ, मैं वो काम करूंगी, जरूर करूंगी। क्या बताऊं, करने में क्या हर्ज है? चलो अंदर चलो। क्या करेगी? चलो तू क्या करेगी? चलो चलो, वो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चलो वो नहीं है। अरे ये बोलने की बात नहीं है। गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। अरे बाप रे, मालिक विश्वनाथ जी, आपकी बीबी साला एक नंबर के लुच्चे लफंगे बेईमान है। आपने ऐसे लोगों को कैसे पाल रखा है? अरे उन दोनों ने मुझे फंसा के यहाँ लाया। अरे भैया जो हो गया सो हो गया, अब देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी दवा लाया हूँ, ये लो ये खाओगे तुरंत चंगे हो जाओगे। अरे फिर देखना मेरा कमाल। नमस्ते साहब, मेरा नाम कुट्टी है। मैंने पहले आपको एक काम बताया था, शायद आप भूल गए होंगे। वही दस्तखत करवाओ, समझ गए ना तुम? घर की मालकिन ही जब मेरी पत्नी है तो साइन क्यों करवाऊं? उस बुड्ढे के साइन करवाने के लिए कहा था, अब तक करवाए क्यों नहीं? आज तो क्या, वो कभी नहीं करेंगे। दीदी ये दाग उसी गुल्ली वाले का है। दस्तखत करवाओ, दिमाग खराब हो गया? ए क्या तूने पार्टी बदल ली? उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है तू? हाँ जो जायदाद हासिल करने के लिए तो मुझे लेकर आए, उसी को बचाने के लिए मैंने लक्ष्मी से शादी की है। ओफो, ओफो, आखिर तूने अपनी चाल चल ही दी, अब देर नहीं करनी चाहिए। तेरी जान किस में बसी है ये राज मुझे पता है। बच्चे आज अगर मैंने तुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो कल तो तू बदल ही जाएगा। मैं शुरू में ही तुझे एंड दिखा देता हूँ, ये देख। तेरा दिमाग खराब हो गया, हमें मारेगी क्या? मारो मारो और मारो बेटी, मारो उनको, मारो और मारो, और मारो बेटी, मारो और मारो उन्हें, और मारो, छोड़ना नहीं, मारो मारो।
ससुर जी, मुझे बुलावे का मैसेज आया है। शायद हम केस जीत जाएंगे, कल ही जजमेंट है, इसलिए जा रहा हूँ। वो ठीक है, लेकिन कोर्ट खर्च के पैसे नहीं चाहिए, सब वकील ही संभालेंगे। केस जीतने के बाद देने के लिए कहा है, मुझे जल्दी जाना है। लक्ष्मी अभी नहा रही है, उसे बता दीजिएगा, मैं चलता हूँ। मर गए, कहाँ है? आ जाओ। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, उसकी मार याद आती है तो बदन कांपने लगता है मेरा। क्या वो क्या है ना भैया, कल का दिन याद करने से ना मेरा दिल है ना जोर से धड़कने लगता है। इतनी ताकत कहाँ से आ गई? उसके पास कोई जादुई शक्ति है। अरे ए, उसके बारे में सोचना बंद करो और अपने बारे में सोचो, हम क्या कर रहे हैं बताओ। सुनो, लक्ष्मी कहीं बाहर गई है, उसके लौटने से पहले हम लोग जाकर कुछ खा लेते हैं। दीदी रुको। क्या हुआ? हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या खाने की खुशबू आ रही, बैठो खाना खाओ। अरे कल लक्ष्मी ने हम लोगों को बहुत मारा था, कहीं खाते हुए देख लिया और फिर से मारने लग गई। तो खाना खाए बहुत दिन हो गए ना। अरे भगवान, याद आया क्या है? झोली खोलो, झोली खोलो ना। दीदी तुम चावल भालो, और तुम क्या देख रहे हो, तुम भी भरो ना कुछ। ये क्या है पिताजी, आप ही सब खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा? अरे बेटा अगर हम रुक गए तो वो आ जाएगी और फिर हमको कुछ नहीं लेने देगी, इसलिए कह रहा हूँ पीछे मुड़ कर मत देखो। हे भगवान, तुम लोग क्या देख रहे हो, पीछे मुड़ आगे बढ़, जल्दी जल्दी निकलो। दीदी वाह क्या बात है, आज तो मेरी पसंद का चिकन तंदूरी बना है। सुनती हो, मेरे पसंद का भी खाना बना है, मैं खा के देख लूं। चुप रह, दीदी गई भाड़ में, भूख से मेरी जान जा रही है और तू बकबक किए जा रहा है। चुप रह, खाना खा, डाल दो इसमें, डाल दो इसमें। क्या हुआ भैया, एक बार अपनी झोली में क्या है देखो तो सही। बेटी लक्ष्मी, हमारी तकलीफ दूर होने के दिन कब आएंगे यही सोच रहा था, लेकिन वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खुशी ही मेरी ताकत है। नाग देवी का आशीर्वाद है पिताजी, देवी का जब तक साथ है तब तक डरने की कोई बात नहीं। मगर मैं मन से चाहती हूँ अगर देवी हमारी माँ का हृदय परिवर्तन कर दे तो अच्छा होगा। बहुत गर्मी हो रही है, ये सच हो जाए तो मजा आ जाएगा। अरे वो खिड़की क्यों बंद कर रहे हैं? ये खिड़की खुली तो मुझे नाक दस लेगा। खिड़की मत खोलना, खिड़की मत खोलना, खिड़की मत खोलना। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? और तो थोड़ी ना हुई है, फैन चल रही है, लाइट जल रही है, टीवी चल रही है, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? दीदी वहाँ लाइट है, यहाँ लाइट क्यों नहीं है? भैया फेज उड़ गया होगा। एक फेज की बात नहीं है दीदी, यहाँ तो अपने तीनों फेज उड़ गए हैं। भैया मेरी बात मान ले, जाकर देख तो वहाँ पर क्या हो रहा है। दीदी क्या हुआ? दीदी मैं अकेला कैसे जाऊंगा, तुम भी साथ में आओ। शर्म नहीं आती आपको, एक औरत को लेकर जा रहे हो? मैं हूँ ना, साथ चलूंगा। चल तेरे साथ ही चलता हूँ, आजा। ये हॉल, ये बेडरूम, दीदी कहती है कि एक फ्यूज उड़ गया, लेकिन यहाँ तो कोई फ्यूज नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आता क्या बात है। दीदी मैंने अंदर भी जाके देख लिया, वहाँ भी नहीं दिख रहा है।
अरे डर डर के तुम्हें क्या हो गया? ऐसा बार बार होता रहा तो तुम मुझे मिल नहीं सकोगे। मुझे दर बदर भटकना पड़ेगा। अरे मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम अगर मर गए तो मेरा नया मंगलसूत्र उतर जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा? इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? मैं अब क्या करूं? हे भगवान, मैं अब क्या करूं? ए साले उल्लू की पट्टी, चुप बैठ। जीते जी मेरे मरने की दुआ मांग रही है। हमारे बनाए हुए प्लान में पता नहीं मेरी जान बचेगी या नहीं, मुझे खुद नहीं पता, और ये ऊपर से मेरे मरने की दुआ मांग रही है। अरे चुप बैठ मेरी अम्मा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। ये क्या माधुरी, अपने पति को हिम्मत देने की बजाय डरा रही हो तुम? अरे अब कहाँ हिम्मत आएगी, उसका चेहरा तो देखो, उसका दिल कमजोर हो चुका है, बदन हिलने लगा है। अरे भगवान, ये दीदी अपने बेवा होने से पहले ये इतना मातम मना रही है तो मैं क्या बोलूं? एक बात सुनो भैया, ऐसा करो तुम्हारे जीजा जी का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास ही अपना इलाज भी करवा लो। आ, क्या नहीं, उसके पास से अगर मैंने दवा ली तो इधर दवा अंदर और दम बाहर, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। हे भगवान, ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा कहोगे तो मैं हिम्मत हार जाऊंगी। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? चुप, देखो मैं बहुत गर्म हो रहा हूँ, मैं रोस्टेड मुर्गा बन रहा हूँ, चुप रहो तुम। माँ रो क्यों रही हो, पिताजी मरने वाले हैं। हाँ अभी मरा नहीं हूँ, जरूर मारूंगा, मेरे मरने के बाद जिंदगी भर खाते रहना। अरे मेरे लाल मोटे, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, बाजू की दुकान से जाके एक दवा की गोली ला दे। मैं नहीं लाने वाला टैबलेट, आप ही ले आओ। ए तुम इतनी जोर से चिल्लाओगे तो मैं गोली से नहीं तेरी चीख से मर जाऊंगा। ए नॉन स्टॉप खाना तो बंद करो यार। वही वही तो मुझे पसंद नहीं, आप मेरे बारे में मत सोचो, अपने डर के बारे में सोचो। दोबारा आपने बोला ना तो फिनिश। अरे फिनिश करने पर तुलाए मेरे नए मंगलसूत्र का क्या होगा? चुप रह। ऐसे ही चुप बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा, हमें कोई धांसू आइडिया लगाना ही पड़ेगा। सोचो सोचो, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। तुम यहाँ पर हो ये मुझे अच्छी तरह पता है, तुम अपने पति की आंखों में आंखें डालकर उसकी हिफाजत कर रही हो, ये मुझे पता है। नहीं तुम भाग नहीं, इस जमीन आसमान के बीच में तुम चाहे कहीं भी हो, मैं तुझे पकड़ कर ही दम लूंगा। तुम्हारे पति की आत्मा जिस इंसान में है उसे पकड़ कर उसे जिंदा करूंगा और मणि प्राप्त करूंगा, फिर सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका दूंगा। जय शंभवी। महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु, आपके बारे में बहुत कुछ सुना, आपके पैर पड़ता हूँ मैं, बचा लो महाप्रभु। क्या कष्ट है तुझे? स्वामी हमारे घर के सामने एक सांप ने अड्डा जमा लिया है, जब से वो वहाँ आया है हमारी सिट्टी पिट्टी बंद हो गई, सारी दुनिया भर की झंझट हमारे घर में आके बस गई, हमें इस झंझट से छुटकारा दिलाओ प्रभु। तुम्हारा घर कहाँ है?
इसे चूहे और बिल्ली का खेल समझ रखा है क्या? तुम मेरी खुशकिस्मती को बदकिस्मती में बदलकर मेरे भाग्य को दुर्भाग्य बनाना चाहती हो। तुम दो बार मेरे हाथ से निकल चुकी हो, तुमको अब सामने रखकर मैं उसे कैसे बुलाता हूँ ये देख। मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी के बाल पकड़ कर ले जाए? यार शंभवी, देवलोक से मिलामृत पीकर दो बार जिसकी जान बची है उससे शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हे नागिन, तुम्हारे सहारे में तुम्हारे पति को पाना चाहता था और अब तुम्हारा ये पति मेरे चंगुल में फंस ही गया है। जय शंभवी। नागदेव, आज के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। जिस शक्ति को पाने के लिए इतने साल मेहनत की है, आज उसके पूरे होने का समय आ गया है। तुम्हें जाके राहुल को मारना है, उसकी मौत से मुझे कामयाबी मिलेगी। जय शंभवी। तपस्या भंग हो गई, जो मेरे भगवान को पसंद नहीं वही बात हो गई। सर्वशक्तिमान पाए हुए मेरे भगवान के मुकाबले में कौन आ सकता है? कौन? मैंने। तुम्हारी इतनी हिम्मत? भैरव, मेरे साम्राज्य में आकर मेरे सामने खड़ी होकर बात कर रही हो? इतना ही नहीं, मेरे पति को या मेरे भक्तजनों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ दोगे तो तुम्हें भी ऐसी ही तकलीफ होगी। ये बात अच्छी तरह समझ लो, तुम यही समझाने आई हूँ मैं। ए नागिन, तुम जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो। पता है तू कौन है? तंत्र मंत्र की विद्या सिखा हुआ एक इंसान। इसलिए हम पति पत्नी चुप है क्योंकि तू अपने मंत्र से कुछ भी कर सकता है, मगर तू हमको कमजोर समझकर घमंड कर रहा है। समझ ले तू, अब तेरा अंतिम समय करीब आ गया है। पागल नागिन, मेरा अंतिम समय है? उस मणि को हासिल करके तुम्हारे पति को मारूंगा, दुनिया जीतूंगा, तुमको भी पालूंगा। भैरव, अपने हाथों में अमृत प्याला लेकर देव यश गंधर्व को जीतकर मौत को जीत कर आया हुआ वो रावण भी जब महासाध्वी सीता को उठाकर ले गया
तब राम के ही बाण से उसकी मौत हुई थी। तू उससे भी बड़ा है क्या? जीव निर्जीव सभी प्रकार के प्राणियों से, सुर असुर राक्षसों से भी, जल थल कहीं पर भी नहीं, ना मरने का वरदान पाने वाला महाशक्तिशाली हिरण्यकश्यप भी भगवान नरसिंह के हाथों से अजीब तरह से मारा गया, उससे भी शक्तिशाली है क्या तू? हमारी ताकत सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए है, तबाही के लिए नहीं। हमारे पास रहने वाले देव शक्ति को भूलना मत तू, जाके भगवान से माफी मांग ले। गलत कर रहा है। ये नागिन तो मेरे तिलस्मी चक्र से भी बचकर निकल गई, यानी इसकी ताकत मेरी ताकत से ज्यादा है, मुझे उससे ज्यादा ताकत पानी होगी। ओम ले बगड़ा मोखी सर्वदुष्टा वाचम मुखम पदम अम्बया इलीम ओम स्वाहा इलीम ओम स्वाहा। जय शंभवी, तेरी कृपा से उस नागिन को रोकने की ताकत मिल गई है। नागिन तूफान के बाद की शांति को देखकर डर लग रहा होगा ना? इस तांत्रिक को तेरी शक्ति का राज पता नहीं है क्या? तुम ये समझती हो अपनी तपस्या से प्राप्त अजस्र शक्ति वाले ताकतवर अस्त्र का प्रयोग कर रहा हूँ? जय शंभवी। पागल नागिन, अंदर आकर अपने पति को बचाना चाहती हो ना? अगर तुमने इस रेखा के अंदर आने की कोशिश की तो तुम चलकर राख हो जाओगी, राख। आज तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। ऐसा मौका एक दिन मेरे हाथ आएगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा पति जान को कुर्बान करके नाग जाति के महान नागों में शामिल हो गया, मगर अब तो तुम में खुद अपने भक्त को बचाने की भी ताकत नहीं रह गई है। एक बार वहां देखो। Ha 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 ha!
तुम्हारे देवता समान भक्त यानी तुम्हारे पति का क्या होगा? कुटी नागिन, अब तुम्हारे भक्त के शरीर से धीरे धीरे खून निकलता जाएगा और फिर वो मारा जाएगा और तेरा पति नाग देवता जीवित हो जाएगा। जय शंभवी। भैरव, तू अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसको दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल कर। भैरव, चाहे तो मुझे मार दे परंतु मेरे भक्त को छोड़ दे। सब मिल के रखा करो। हे सूर्य, हे चंद्र, नाना नक्षत्र आदि सब
देवी आश्चर्य मत करो, मेरी सारी ताकत फिर से लौट आई है और मैं फिर से नाग बन गया हूँ। राहुल को हमें हर हाल में बचाना होगा। यज्ञ समाप्त होने के बाद ये तांत्रिक शक्ति पाके सृष्टि का विनाश कर सकता है। वो जो कुछ भी चाहता है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। लक्ष्मी के साथ साथ हम दोनों भी मुक्त हो जाएंगे। देवता को मैंने कैसे कब्जे में किया यही सोच रहा है क्या? तंत्र मंत्र की शक्ति तुझ में ही नहीं मुझ में भी है। मेरी शक्ति से दोबारा जिंदा ना हुआ और मैं फिर से नागलोक ना जा सकी तो हम दोनों को ही नुकसान होगा। तेरे मन में बसी हुई ख्वाहिशों को मैं हमेशा के लिए मिटा रही हूँ। क्या कर लेगी तू? महाशक्तिशाली मणि तुझे मिल गई तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी, इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसको रोकने के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही हूं। रुको, रुको। नागिन, नागिन रुक जाओ। बर्बाद हो
हो गई रे। मेरी दीदी और मेरे पति को लकवा मार गया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तू ही मेरा सहारा है, मुझे माफ कर। माफ कर दो, मेरी माँ और मामा को भी माफ कर दो। लक्ष्मी तुम डरो मत, मेरे पति राहुल तुम्हारे साथ ही इस दुनिया में बाकी की जिंदगी बिताएंगे। इस अग्निकुंड को नाग शक्ति का पीठ बना दो, जिससे कि मुसीबत के समय इसकी पूजा करके सारा संसार सुख से जिए। सर्वे जना सुखिनो भवंतु।